वेलकम फ्रेंड्स इन हेल्थ रैम्बो। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं में स्तन का ढीलापन, जिसको इंग्लिश में ब्रेस्ट सैगिंग बोलते हैं, उसके क्या कारण होते हैं। तो जो सबसे पहला कारण होता है महिलाओं का ब्रा का ना पहनना। ब्रा का ना पहनने का कारण क्या होता है, जो ब्रेस्ट की जो मांसपेशियाँ होती हैं, टिश्यूज़ होती हैं, वो ढीली हो जाती हैं, जिससे उसकी जो पकड़ है वो धीरे धीरे जो होती है कमज़ोर होती चली जाती है। दूसरा कारण होता है कि जो प्रॉपर ब्रा जो होती है, अपने साइज की ब्रा नहीं पहनना, जिसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी बार मांसपेशियों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ता है, जिससे मांसपेशियाँ ढीली होने लगती हैं और आगे चल के क्या होता है कि जो मांसपेशियाँ बिल्कुल से ढीली हो जाती हैं। साथ में हार्मोन जो होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन, वो महिलाओं में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन महिलाओं में ईस्ट्रोजन का लेवल कम होता है उनकी ब्रेस्ट अंडर डेवलप रहती है और साथ में ढीली भी रहती है। दूसरा और कारण होता है हार्मोन में ही प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन का जनरली जो लेवल होता है प्रेगनेंसी कंसीव करने के बाद में होता है, डिलीवरी के बाद में। यदि प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल कम होता है तो इसकी वजह से क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलप प्रॉपर नहीं होती है, साथ साथ में क्या होता है कि ब्रेस्ट ढीली रहती है। हमारे शरीर में प्रोटीन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, स्पेशली महिलाओं में जो होता है कोलेजन प्रोटीन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है, कि ये जो होता है ब्रेस्ट डेवलपमेंट में मदद करता है, साथ साथ में ब्रेस्ट की जो टिश्यूज़ होते हैं उनको इरेक्ट करके रखता है, मतलब उसमें एक टाइटनेस देता है। तो जिन महिलाओं में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से उसका असर ब्रेस्ट पर पड़ता है और ब्रेस्ट ढीली हो जाती है। साथ में जो महिलाएँ धूप में बहुत ज़्यादा रहती हैं तो उनके क्या होता है, स्किन जो होती है जल जाती है, साथ में सेम स्किन जो होती है जो ब्रेस्ट की टिश्यूज़ होती हैं उन पर भी असर पड़ता है, और जो एडिपोज टिश्यूज ब्रेस्ट में होते हैं वो उनकी टाइटनेस कम होती जाती है, फैट का लेवल कम होता है, साथ साथ में जो ब्रेस्ट होती है वो ढीली होने लगती है। महिलाओं में यदि हम बात करें जेनेटिक्स की, तो जेनेटिक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिन महिलाओं की फैमिली हिस्ट्री होती है अंडर डेवलप ब्रेस्ट की या फिर ब्रेस्ट ढीलापन की, तो ये भी एक अहम भूमिका निभाता है। इसके अलावा ज़्यादातर आप फैक्टर जानते हैं कि जो महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती हैं या फिर स्मोकिंग करती हैं, उसके अलावा जो महिलाएं मल्टीपल प्रेगनेंसीज होती है जिन महिलाओं को, या आपके दो तीन बच्चे हो चुके हैं तो इसका असर भी आपकी ब्रेस्ट पर पड़ता है। इसके अलावा यदि आपने बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट फीडिंग करी है तो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा करने की वजह से आपकी ब्रेस्ट ढीली रह सकती है। मेनोपॉज भी एक बहुत अहम भूमिका निभाता है। मेनोपॉज में जैसे ही महिलाएं एंटर होती हैं तो शारीरिक सुंदरता, साथ साथ में क्या होता है उनकी जो ब्रेस्ट होती है वो ढीली होने लगती है, ब्रेस्ट का साइज भी होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। उसके अलावा जो आपकी डाइट होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप डाइट में प्रोटीन और फैट का लेवल कितना ले रहे हैं ये भी डिसाइड करता है आपकी ब्रेस्ट डेवलपमेंट में तथा ब्रेस्ट के टिश्यू प्रॉपर डेवलपमेंट होने में। उसके अलावा जो लैक ऑफ एक्सरसाइज होती है, जो लोग बहुत एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं उनमें भी क्या होता है कि उनकी शारीरिक मांसपेशियां जो होती हैं उसके साथ साथ में ब्रेस्ट की मांसपेशियां भी ढीली हो जाती हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सो ब्रेस्ट का जो साइज़ है प्रॉपर रखने में तथा ब्रेस्ट को मतलब ढीलापन से बचाने के लिए आपको जो है एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आगे हम बात करेंगे कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए या आपको क्या खाना चाहिए। यदि हम खाने की बात करें तो आपको अपने डाइट में रोज़ाना एस्ट्रोजन युक्त जो होती है एस्ट्रोजन हार्मोन युक्त खाद्य पदार्थ शामिल करने चाहिए, जैसे कि विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ होते हैं सेब, संतरा, आड़ू, पपीता, तरबूज, स्ट्रॉबेरी, एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाते हैं। साथ में ड्राई फ्रूट, अखरोट, बादाम, खजूर, उसके अलावा दूध, दही, पनीर, मेदी के बीच आप रोज़ाना 10 से 15 इसका पानी पी सकते हैं। जैतून का तेल अपने खाने में शामिल करिए। जो लोग नॉर्मल दूध नहीं पीते हैं तो वो सोयाबीन का मिल्क होता है वो ले सकते हैं या सोयाबीन दाल वगैरह का कंजम्पशन कर सकते हैं। अदरक जो होती है, अदरक भी आपके शरीर के काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, एंटीऑक्सीडेंट के लेवल को बढ़ाती है तथा सूजन वगैरह को कम करती है। उसके अलावा आपके जो शारीरिक डेवलपमेंट में मदद करती है। आप मूंगफली वगैरह खा सकते हैं, अलसी के बीज वगैरह 40 से 50 रोज़ाना खा सकते हैं। उसके अलावा प्रोटीन आपके लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो आप प्रोटीन में जैसे अंडा का वाइट पार्ट होता है, चिकन है, फिश है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप नॉनवेज खाते हैं। उसके अलावा ग्रीन टी वगैरह है ये सेवन कर सकते हैं।
यदि हम बात करें अपने स्तन को आप कैसे ढीलेपन से बचा सकते हैं, तो उसके लिए आप जो ब्रेस्ट की है मालिश वगैरह कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो शरीर जो होता है प्रोलेक्टिन हार्मोन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे आपकी जो ब्रेस्ट है इरेक्ट रहती है। उसके अलावा आप एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज जैसे जिम है, योगा है, जितनी भी चेस्ट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती है पुरुषों की, वो आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। जैसे कि आप पुश पुल वगैरह जो लेट कर करते हैं वो कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते हैं तो दीवार पे वॉल पुश आप कर सकते हैं। साथ में नॉर्मल पुश जो होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं, ये भी आप रोजाना 25 से 30 पुश करेंगे तो इससे भी आपकी ब्रेस्ट जो होगी प्रॉपर डेवलपमेंट होगी। साथ में जो ब्रेस्ट के टिश्यूज हैं वो नॉर्मल कंडीशन में रहेंगे। आप चाहें तो इस तरीके की डंबल प्रेस की एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, या आप बेंच प्रेस की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये भी आप 3 सेट लगा सकते हैं, 15, 12, 10 के। इससे भी आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। डंबल के जो बेंच प्रेस हैं आप इस तरीके से भी मार सकते हैं। तो आपको वो चेस्ट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज होती है वो सारी की सारी एक्सरसाइज करनी है। इंक्लाइन बेंच प्रेस कर सकते हैं डंबल सेट के साथ में, या फिर आप डंबल्स फ्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप रोजाना आपको 2-3 सेट लगाने होंगे 15, 12, 10 के, तो वो आप ये सेट कर सकते हैं। आप जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, डंबल फ्लाई आप इस तरीके से बैठ के भी कर सकते हैं, या आप जिम वगैरह जाते हैं तो जो चेस्ट प्रेस की मशीन होती है उस पर आप चेस्ट प्रेस कर सकते हैं। इसमें अभी आप 3 सेट इस पर मार सकते हैं। आपको शुरुआत में वजन हल्का रखना है। उसके अलावा यदि आपको ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप क्या करवाएंगे, तो उसके लिए आप कुछ टेस्ट करवा सकते हैं। मतलब आपको लगता है हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सीरम इस्ट्रोजन टेस्ट है, सीरम प्रोजेस्टेरोन, सीरम प्रोलैक्टिन ये टेस्ट करवा सकते हैं। नॉर्मल लैब में सभी जगह होते हैं। साथ में यदि आपको ब्रेस्ट में कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई देती, गांठ दिखाई देती है, तो आप ब्रेस्ट एक्सरे करवा सकते हैं, जिसको मेमोग्राफी टेस्ट बोलते हैं। या यदि आपको फर्दर अगर मेमोग्राफी में कोई लंप वगैरह आता है तो उसकी बायोप्सी होती है, या आपको कोई ऑटोइम्यून फैमिली के डिसीज़ है, मतलब आपकी फैमिली में ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं या आपको दूसरी अन्य बीमारियां हैं, तो उस कंडीशन में एंका टेस्ट वगैरह करके भी आप जो है लैब में यह भी आप पता कर सकते हैं कि आपको ऑटोइम्यून बीमारी है कि नहीं। यदि सब कुछ करने के बाद भी आपकी जो ब्रेस्ट के अंदर टाइटनेस नहीं आता है तो उसके बाद आपको कौन से डॉक्टर का दिखाएंगे, तो उसके लिए आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा सकते हैं जो लेडी डॉक्टर होती है, या सर्जन वगैरह को उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो ब्रेस्ट सर्जन आजकल होते हैं या प्लास्टिक सर्जन वगैरह जो होते हैं उनको आप दिखा सकते हैं, उनसे फर्दर कंसल्ट वगैरह कर सकते हैं। सो उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें। विद दिस थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग हेल्थ से।